प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, यह है देश भर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। तो जो पश्चिम विक्षोभ है वो अब जम्मू कश्मीर पर आ चुका है और धीरे धीरे पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले हैं। हालांकि हमने देखा था कि अप्रैल का महीना काफी अच्छा गुजर रहा है, 6 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी अच्छे आए थे। हालांकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन मई का जो पहला सप्ताह होगा वो भी पश्चिमी विक्षोभ का ही रहेगा। एक के बाद पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे और पहाड़ों पर काफी अच्छी बारिश देंगे। हालांकि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये 30 अप्रैल तक कोई खास बारिश नहीं देगा, छुटपुट बारिश की गतिविधियां ही देखने को मिलेंगी। लेकिन मई के महीने में एक दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे जो पहले सप्ताह में ज्यादा एक्टिव रहेंगे और उस समय बारिश की गतिविधियां अच्छी देखने को मिलेंगी जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड। इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से जैसे हमने बताया है कि इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन अक्सर बन जाया करते हैं, या तो सेंट्रल पाकिस्तान में, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के ऊपर। तो इस समय भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है जो नॉर्थ वेस्ट और राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में देखा जा सकता है। एक ट्रफ रेखा है जो सिंध से लेकर के गुजरात तक आ रही है और इस ट्रफ रेखा के कारण जो नमी वाली हवा है वो अरब सागर से इस इलाके में नमी बढ़ा रही है, यानी राजस्थान, गुजरात और इन सारे इलाकों में नमी बढ़ रही है और टेम्परेचर ज्यादा है। जब भी नमी बढ़ती है और टेम्परेचर ज्यादा होते हैं तो गरजने वाले बादल बनते हैं, उससे धूल भरी आंधी या बारिश या ओलावृष्टि होती है। तो उसके बारे में हम आपको अभी आगे वीडियो में बताएंगे। एक ट्रफ रेखा है जो सिक्किम से लेकर के गंगे पश्चिम बंगाल तक आ रही है और एक ट्रफ रेखा है जो साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश से होती हुई ये जा रही है आपका तमिलनाडु तक और तमिलनाडु के दक्षिण सिरे तक जा रही है और तमिलनाडु के कोस्ट पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके प्रभाव से नमी वाली हवाएं कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के ऊपर नमी बढ़ा रही है। तो ये सारे वेदर सिस्टम हुए। अब बात करते हैं, जैसे हमने पहले बताया कि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, अभी हल्की बारिश होगी, धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और अब क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली इन सारे इलाकों में अगले दो तीन दिनों के लिए, यानी दो दिनों के लिए ऑलमोस्ट वेदर क्लियर ही रहने की संभावना है। लेकिन जो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसका असर देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि राजस्थान के कुछ इलाके जो है इन इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ साथ हल्की आंधी कुछ इलाकों में कल से शुरू हो जाए। लेकिन परसों 30 अप्रैल को बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ेगी, इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाएगी और 30 अप्रैल को हो सकता है पंजाब और हरियाणा के भी एक दो जिलों में बूंदाबांदी या हल्की धूल भरी आंधी चल जाए। लेकिन 1 मई से जो वेदर एक्टिविटी है यानी प्री मानसून एक्टिविटीज पूरे उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में बढ़ेगी। गुजरात में भी अगले दो तीन दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं, थंडर शावर भी हो सकता है। 30 अप्रैल और 1 मई को जो पूर्वी जिले हैं उस इलाके में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। गांधीनगर हो गया आपका, बड़ोदरा हो गया, अहमदाबाद, सूरत, वलसाड, डेंग, पंचमहल और उसके आसपास के जो इलाके हैं इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। सौराष्ट्र, कच्छ में बारिश की गतिविधियां अपेक्षाकृत कम ही रहेंगी। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो मई का पहला सप्ताह होगा उसमें पूर्वी जिले ज्यादा प्रभावित रहेंगे, पश्चिमी जिलों में भी बारिश रहेगी लेकिन अपेक्षाकृत कम रहेगी। और अगर यानी उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इन इलाकों में मौसम अभी फिलहाल शुष्क ही बना रहेगा, गर्मी रहेगी। लेकिन सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के उत्तरी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में छिटपुट बारिश की गतिविधियां होगी, यानी वेदर ऑलमोस्ट ड्राई रहेगा, एक दो जगह पर बारिश हो गई तो हो गई और बादल छा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात हुई। अब बात करते हैं मध्य भारत की। तो मध्य भारत में हालांकि तेलंगाना में हल्की बारिश हुई है, मध्य प्रदेश में भी काफी हल्की बारिश हुई, छत्तीसगढ़ में बारिश हुई है, लेकिन अभी ये जो ट्रफ रेखा है इसके प्रभाव से हो सकता है कि जो पूर्वी मध्य प्रदेश हो गया, विदर्भ और तेलंगाना इन इलाकों में कुछ बारिश की गतिविधियां होंगी और जो मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी जिले हैं इन इलाकों में भी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, परवरी इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। लेकिन बाकी मुंबई वगैरह में कल काफी हल्की बारिश हुई थी, एक दो स्थानों पर हुई थी। अब वेदर एक बार फिर क्लियर हो जाएगा, उस इलाके में बादल वादल छा सकते हैं लेकिन ज्यादा कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी। टेम्परेचर फिलहाल अभी गर्म रहेंगे मध्य भारत के, उसके बाद धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो केरल और तटीय कर्नाटका में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है और आंतरिक कर्नाटका में लाइट टू मॉडरेट होगी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में यानी कि जो विशाखापट्टनम है और उसके आसपास के इलाके में, काकीनाड़ा वगैरह में बारिश हो सकती है, थंडर शावर हो सकता है। तेलंगाना में भी अगले दो तीन दिनों के दौरान छुटपुट बारिश की गतिविधियां रहेंगी और रायलसीमा में भी बारिश रहेगी और जो तमिलनाडु के आंतरिक जिले हैं इन इलाकों में बारिश होगी। दो तीन दिन बाद जो तटीय तमिलनाडु है इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और ये एक रेनफॉल मैप आप देखिए जो 30 अप्रैल और 1 मई के आसपास की वेदर एक्टिविटी है। तो आप देखिए राजस्थान,
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन सारे इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां के साथ धूल भरी आंधी है। गुजरात के भी कुछ इलाकों में है, राजस्थान में है, और इसी तरह से साउथ छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और जो बाकी इलाके हैं, और पूर्वी बिहार में 1 तारीख से हो सकता है कुछ बारिश की गतिविधियां हो जाए, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां वो बढ़ सकती है। इसके आगे जो अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।